नमस्कार इंडिया, स्वागत है ब्रेकिंग में। हरदोई मल्लावा, भाजपा सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कई बेटियों को प्रमाण पत्र देकर किया तथा इंटर व हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में उच्च स्थान पाने वाली कई छात्रों को 5,000 रुपए का पुरस्कार भी मुख्यमंत्री की योजना के तहत देकर छात्रों को सम्मानित किया गया। शुक्रवार को कस्बे के एक गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि सतीश महाना मंत्री औद्योगिक विकास ने किया। शुरुआत करते हुए कसरूबी इरफान नाज, महक रक्षा, खुशबू इतियादा, मानवी देवी, अनुराधा सहित 20 बालिकाओं को प्रथम किस्त के रूप में 2,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिए। इसके साथ ही इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान पाने वाली छात्रा शीतल वर्मा, लुबना खातून, प्रतिमा पांडे, नसरीन खातून, शिवांगी मिश्रा, निष्ठा पटेल, महक गुप्ता समेत 11 छात्र व हाई स्कूल में एकल स्थान पाने वाले मुस्कान पटेल, अंजलि मिश्रा, आक्रांत सिंह, मुस्कान त्रिवेदी, गरिमा पटेल, सालू पटेल समेत 12 छात्रों को 5,000 रुपए का प्रमाण पत्र वितरित किए गए। और जिस धरती को हमने देवभूमि को कहा, उस देवभूमि के सबसे पवित्र अगर कोई शब्द होता है तो माता से अधिक पवित्र शब्द इस धरती के ऊपर दूसरा कोई नहीं। माँ जन्म देने वाली होती है, माँ पालन पोषण करने वाली होती है, माँ शिक्षा देने वाली होती है। और जिस समय मैं कहता हूँ कि माँ पहली शिक्षक है, और शिक्षक का क्या स्थान है अपनी संस्कृति में हम सबको मालूम है कि हम लोग शिक्षक के लिए गुरु देव जाते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश, गुरु साक्षात परम धर्म के गुरु है। गुरु को हमने भगवान का स्थान दिया और पहली गुरु को है माँ, और माता का स्थान भगवान का स्थान है। इस बात को हम लोग अगर सोचकर अपने जीवन के अपने संस्कार देखें तो ऋषि ऋषि भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति के लिए, और जिस समय माँ है तो जब बेटी है तभी माँ है। वो बेटी जिसको हमने पूजा करी है, अभी पिछले दिन हम लोगों ने पवित्र नवरात्र के दिनों में नौ जी देवी का व्रत रखा। यहाँ पर तो मल्लावाल गांव के अंतर्गत पारिवारिक स्वरूप के अंतर्गत मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन कई बड़े शहर ऐसे हैं कि लोग उस देवी माँ के नौ दिन के व्रत तो रखते हैं, लेकिन अष्टमी वाले दिन अगर देवी पूजन का कार्यक्रम हो तो कन्याएं नहीं मिलती। तो एक दूसरे को फोन पे फोन करके कहते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ जो भी बेटी हो तो उसको भेजो। वो कई जगह पर पूछने के बाद अगर तब तो उनके घर में पूजा के लिए बेटियां अगर उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब भगवान की पूजा स्वीकार नहीं। उसको एक हमारे नौनी का कार्यक्रम, नौनी के कार्यक्रम में हर बच्चे दूसरे के घर में मांगने जाते हैं। मांगने क्या उसमें वो रेवड़ी होती है और खाना जिनको कहते हैं पहले मकान मक्का मकई कहते हैं वो मांगने जाते, सब बच्चे सबके घरों में जाते, कोई आधार के ऊपर नहीं जाते कि कौन ज्यादा पैसे वाला कौन कम कौन हो गया, इस आधार के ऊपर जाते एक समाज में समरसता बनी रहे, एकता बनी रहे। तो उसी प्रकार से बेटियां भी पूज्य हैं, बेटी को देवी के रूप में माना है। जो हमारे जिला अध्यक्ष बोल रहे थे कि 11 साल की बेटी को हम देवी के स्वरूप के अनुसार ही मानते हैं, और जो लोग दुर्भाग्य है मैं इस बात को दुर्भाग्य कहूंगा कि जो लोग बच्चियों के लिंग भेद करके उनकी भ्रूण हत्या करते हैं तो वो 302 के भी होने का लोगों को सजा मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन भगवान को भी दो की श्रेणी में रहता है कि कैसी आप बच्ची हत्या करते हैं। और केवल इसलिए कि वो बेटी है, अगर बेटी नहीं होती तो मां कहां से होती, बेटी नहीं होती तो बहन कहां से होती, बेटी नहीं होगी तो पत्नी कहां से होगी। और भारतीय संस्कृति में सारे संस्कार एक पवित्र संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ किसी को एक देवी के रूप में माना गया है तो वो की बच्चों के नहीं माना गया, जो लोग मानते हो उनके हमारे नहीं माना गया, हमारे देवी के रूप में तो उस देवी को। अभी हमारी बहन रजनी जी बोल रही थी बेटी और बहू को बराबर सम्मान देना चाहिए, बेटी की भी चिंता करनी चाहिए, बहू की भी चिंता करनी चाहिए। तो मैं जब इसको अवसर मिलता तो मैं कहता हूँ हम अपने हर व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वो अपनी बहन के साथ उसके ससुराल में अपने बहन बहनों को करता है। हमारे को हर बेटी के बहू के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए माँ बाप को जैसे हम अपनी बेटी का उसके घर के अंतर्गत शादी होने के बाद उसके साथ वो चाहते हैं, हमारी बेटी के साथ उनके ससुराल में ऐसा व्यवहार करें हमारे को वैसा व्यवहार। और जिस समय ये सोचते जो मेरी बेटी के साथ होना है, जो मेरी बहन के साथ होना है, वो हमारे घर में आई हुई बेटी और बहू के साथ अगर वही होगा
तो समाज में सारी की सारी कुरीतियां समाप्त। बच्ची का जन्म सौभाग्य से, बच्चे का जन्म होता है जो कि लक्ष्मी आ गई, तो लक्ष्मी आने से खुशी होती है। वो पुराने जमाने में सोच में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए, समाज की अच्छी बात होती है। एक जमाने में जिसमें आर्य समाज में समाज में कुरीतियों की बात करी थी, बेटियों के बराबर शिक्षा की बात करी थी, उनको बराबर अधिकार की बात करी थी, तो आज बेटियों का बराबर अधिकार है, बेटियों को बराबर की शिक्षा है। वो जमाना गया कि इस समय पहले घर में खाना बनता था, सब्जी बनती थी, तो पहले बेटा खा लिया बेटी, बेटियां बाद में खाएगा, पहला जमाना नहीं है। अब लोग कहते हैं कि बेटियों को पहले खाना चाहिए, ऐसी सोच में परिवर्तन है, ये बहुत सकारात्मक सोच। और ये जो मैं इसलिए सारी बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी के पढ़ने से क्या मतलब, बेटी की पढ़ने, बेटी के पढ़ने से परिवार पढ़ता है, बड़ी हो जाती पूरे परिवार को शिक्षा देता है। तो हमारा आगे परिवार एक शिक्षा कैसे दी, उस बेटी की शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो योजनाएं हैं बच्चियों के लिए विशेष रूप से, चाहे वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाने के लिए हो, चाहे वो अब आज योजना शुभारंभ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, मुख्यमंत्री कन्याकुमारी, तो वो बच्चियों के सिर्फ धनराशि नहीं है, सब इसलिए नहीं है कि बच्ची पैद बच्ची जन्म लेगी तो 1000 रुपया देंगे टीकाकरण द्वारा, टीकाकरण पूरे दौरे की जिम्मेवार दी है, ये याद दिलाता है, 1000 रुपये की धनराशि इसलिए नहीं है क्योंकि एक साल की होगी तो पूरी हो, वो याद दिलाएगा कि बच्ची की हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसे टीकाकरण करा दें, उसके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य की चिंता भी साथ साथ हो। बेटी का जन्म हमारे लिए अभिशाप नहीं, हमारे सौभाग्य है, ये बात साथ पर बेटी जिस समय स्कूल जाए उसको स्कूल में भेजे, ये भी है उसके साथ जुड़ा हुआ, स्कूल में बच्चों को जाना चाहिए, और ये नहीं कि फिर स्कूल में चले जाएंगे तो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बच्चों को भेजने की भी प्रेरणा संदेश है। इस धनराशि से थोड़े से आर्थिक मदद होती है, लेकिन थोड़ी सी आर्थिक मदद होने के साथ साथ उससे बड़ा संदेश देने का भी काम, बच्चियां जिस समय ग्रेजुएशन तक पहुंचे, ग्रेजुएशन तक पहुंचेगी तो उसके 5000 रुपया देगी, तो ग्रेजुएशन करेगी इसलिए नहीं उनको 5000 रुपये मिलना है, ये 5000 रुपया मिलने के लिए सर ग्रेजुएशन कर देगी। तो हर स्टेज के ऊपर उस बच्ची के प्रति माता पिता की जिम्मेवारी का हम निर्वहन कर सके, हम उसके साथ जोड़ सके, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ किसी के लिए नहीं है, जितनी चिंता माँ बाप के लिए बेटा करता है, मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि उतनी चिंता माँ बाप के लिए उससे ज्यादा चिंता उसकी बेटी करती है, बेटे से ज्यादा चिंता माँ बाप के लिए बेटी करती है, ये सच देखो सर। मैंने एक आखिर व्हाट्सएप आके बहुत बढ़िया चीज है, उसने पूछा मुझे बेटी से पूछा क्या चाहिए बताओ कि तुम्हारे को तुम्हारा पति ज्यादा प्यारा है कि तुम्हारा पिता ज्यादा प्यारा है, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, मेरा जवाब सुनिएगा, जो जवाब किसी ने एक लड़की से पूछा शादी होने के बाद कि तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता ज्यादा तुम्हारे सम्मानीय की पति कैसे, उसने कहा मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती, मेरा पिता ज्यादा सम्मानीय मेरी पति सम्मानीय, लेकिन एक बात मुझे पता है, उसने कहा क्या पता है, उसने कहा जब मैं अपने पिता को देखती हूँ सब कुछ पूछा तुम, और जब मैं अपने पति को देखती हूँ तो पिता उसको नहीं पता पिता ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब पिता को देखती हूँ सब भूल जाती है, और जब पति को देखती हूँ तो पिता का स्वरूप याद आ जाता है, पिता भी आए ऐसे संगठन कर रहा है, ऐसे मेरा सम्मान कर रहा है, ऐसे मेरा भरण कर रहा है, तो बेटी का जो माँ बाप के प्रति जिन्होंने उनको जन्म दिया है वो जो समर्पण है, तो किसी भी समय किसी भी समय मैं बात को जैसे कहूँ कि बेटों से ज्यादा जाता हूँ, पुरुष कहता जी हमारी बेटी है पुरुष प्रधान देश चाहते हैं, लेकिन कोई जमाना गया, अब आजकल बेटियों का सम्मान बेटियों का स्वाभिमान, और कौन सा ऐसी जगह है देश और दुनिया में जहां पर हमारी बेटियां आ गई नहीं, हवाई जहाज चलाने में तो मैं ज्यादातर आजकल जितने भी हवाई जहाज में हम सहयोगी करते हैं तो ज्यादातर कभी बहुत ऐसा काम अवसर आता है कि दोनों पायलट पुरुष हो, एक बेटी नहीं महिला होती होती है, तो दोनों होती एक महिला पायलट तो होगी होगी, हम चार बात करें आज चांद के ऊपर जाने के बाद है, दो दिन से पहले हमने देखा कि सिर्फ महिलाएं चांद के ऊपर उसमें कोई खुल गया ये 2-3-4 दिन पहले के बीच में, हमारे देश के लोकसभा स्पीकर बेटी हो सकती है, हमारे देश के राष्ट्रपति बेटी हो सकती है, पार्टी वहां पे राष्ट्रपति,
तो कौन ऐसी बेटी है जो सर्वोच्चतम स्थान के ऊपर नहीं जा सकती, वो हमारे आत्मबल को तो उनको दी गई शिक्षा के आधार पर इसीलिए वो जो भेद था वो भेद को समाप्त कर दिया। सरकार बेटियों के जन्म से प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वहां से कुछ सारी योजनाएं अधिकांश सारी योजनाएं बेटी बेटी के स्वाभिमान के लिए सम्मान के लिए सुरक्षा के लिए उसके संवर्धन के लिए तो आगे पढ़ाए शिक्षा के आगे बढ़ाने के लिए तो बेटियों के प्रति तो एक भाव है जिनका भाव महत्वपूर्ण है। वो भाव जो समर्पण है वो भाव जो स्नेह का है वो भाव जो वात्सल्य का है वो भाव जो ममता का है ये सारी की सारी चीजें जिस समय हम कर देते हैं तो बेटी में एक सच्ची देवी का आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजना शुरू करेगी हम लोगों को कहा गया कि प्रभारी मंत्रियों को जाना है तो कुछ मंत्रियों ने हम लोगों को निवेदन किया कि हम लोग अपने अपने जिले में जाए लेकिन फिर बाद में सब लोग हमें तय कहते हम जाएंगे अपने प्रभारी क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम था बच्चियों के नाम का एक ऐसा कार्यक्रम था कि जिसमें आज का त्यौहार का दिन जोड़ने का नहीं जाएगा और जो कुछ मित्रों ने कहा त्यौहार के लोगों का ग्रहण का नहीं वहां के लोगों को पता चले कि बेटियों के लिए जो ये कार्यक्रम हो रहा है तो वो भी आएगा और हमने आज परसों किसी की पूजा करनी है लक्ष्मी जी की पूजा करनी है विजयदशमी के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं लक्ष्मी की पूजा मतलब आज धनतेरस का दिन है छोटी दीपावली है परसों बड़ी दीपावली है हर व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत एक रोशनी आए प्रकाश हो वो प्रकाश जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाने का आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए आपको सुख और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हमारी संस्कृति में इस प्रकार के सारे जितने जो आए सारे साइंटिफिकली भी प्रूव है और उसका महत्व सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि में है सामाजिक दृष्टि में भारतीय एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए अपनी बच्चियों के सफल दीर्घायु स्वस्थ और समृद्धशील भविष्य की कल्पना करते हुए बच्चियों के लिए जो भी योजनाएं आज आज विशेष योजना लागू की है अन्य सारी योजनाएं हम इनका लाभ पवित्र भाव के साथ ले सके और ये बच्चियां समाज में अपने शिक्षा के द्वारा अपने विकास के द्वारा समाज को एक नई दिशा और नई गौरव दे सकेगी ऐसा मुझे विश्वास है और उस भाव के साथ मैं सभी बच्चियों को जिनको आज कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिला उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि जैसे यहाँ पर बताया गया देश में तीसरे स्थान के ऊपर हमारा ये डिस्ट्रिक्ट इस योजना को लेकर है कई स्थानों के ऊपर पिछली बार कहें तो पहले स्थान के ऊपर भी हमारा और ज्यादातर हमारा सिस्टम पूरा हमारे जिलाधिकारी उनकी पूरी टीम इस प्रकार का अगर काम करते हैं हम लोगों को अच्छा लगता है कि इस हमारे बच्चों को हर योजना के अंदर सही व्यक्ति को लाभ मिल सके और अगर उस सही व्यक्ति को सही पात्रता श्रेणी के व्यक्ति को लाभ मिल जाए तो खुशी होती है अगर उसमें थोड़ी देर कहीं गलती होगी तो उसके ऊपर भी उम्मीदा के साथ देना चाहिए क्योंकि सरकार की जो मंशा है उस मंशा उस पात्रता श्रेणी के अंतर्गत हर उस बालिका को उसका लाभ मिल सके ऐसा हमारे जिला प्रशासनिक अधिकारी को सुनिश्चित भी करेंगे और मुझे अच्छा लगता है कि जिसमें अगर मैं उस जिले का प्रभारी मंत्री और वो जिला अगर श्रेष्ठ स्थान के ऊपर जा रहा है तो मेरे लिए भी प्रसन्नता की और संतोष की बात होती है। इसलिए मैं पूरी टीम को बधाई दे रहा हूँ और अपने माननीय विधायकों को सांसदों को जो जनता के एक प्रतिनिधि के रूप में होते हैं एक प्रतिनिधि के रूप में होते हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में अपनी उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है निश्चित वो सराहनीय है। मैं दोनों माननीय सांसदों को और अपने साथी साथी विधायकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ दीपावली की भी और आज धनतेरस की भी और सारे बच्चों को जितने भी यहाँ पर बच्चे अपनी माताओं को बहनों को बच्चियों को शुभकामनाएं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ।